मैं आज एक बहुत ही अच्छी जगह पे आया हूँ, आपको दिखाता हूँ वो जगह कौन सी है। तो ये है वडोदरा में, मैं एक काम से वडोदरा आया था तो यहाँ पे आया हूँ, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ हूँ। तो ये है गुजरात का फर्स्ट एरोप्लेन, एक रेस्टोरेंट है ये है होटल लेजेंड के बाजू में वडोदरा। तो यहाँ का एक आदमी का टिकट है 500, जो बोर्डिंग पास बोलते हैं, क्योंकि ऐसा एयरक्राफ्ट में हमें कहीं भी ट्रैवल करते हैं हमको बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, तो उसकी प्राइस है। और अगर आप जितने भी लोग हो उतना हर पर्सन का 500 रुपया बोर्डिंग पास का है, और फिर उतने बिल में से कम हो जाते हैं। तो ये रही उसकी ऑफिस, तो चलते हैं अभी अंदर, मेरा तो हो चुका है, बाकी लोग जा रहे हैं अंदर, तो चलते। तो ये पूरा एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनाया है। और इस जो रेस्टोरेंट की वेबसाइट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसके बारे में जान सकते हो। तो अब देखते हैं, थोड़ी देर बाद अंदर जाते हैं हम लोग। तो गाइस ये देखिए पूरा एयरक्राफ्ट जो सच्ची में था, वो उसके जितने टाइम तक पर्टिकुलर टाइम तक वो उड़ा और फिर टेक्निकल ख़राबी हो गई, तो इसको यहाँ ला के उसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर एक और भी गेम है कि आपको 15 मिनट के लिए पायलट बनने का एहसास आपको मिलता है, ऐसे एक राइड है और उसकी प्राइस है 250 15 मिनट के लिए। सो गाइस पैसा तो वसूल है इसमें। तो चलते अभी, थोड़ी देर में अंदर जाना है, 6 बजे का टाइम है, तो 6 बजे अंदर जाते हैं। तो गाइस ये बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाया गया है प्लेग्राउंड, छोटा सा। एज लिमिट है इसमें कि 3 से 5 साल के बच्चे के लिए है, यानी कि ये बच्चा नहीं जा पाएगा। तो यार प्लेन तो देखो क्या बढ़िया लग रहा है। तो गाइज इसमें अभी थोड़ी देर में ऊपर चलते हैं हम लोग। सो गाइज बोर्डिंग ऑन हो चुका है, यानी कि एयरक्राफ्ट ऑन है, देखिए उसमें लाइट्स हो गई। तो अभी यहाँ आजू बाजू भी सारी जगह पे लाइट्स हो गई, ये पार्लर बनता है वो भी खुल गया। तो चलते अभी फटाफट से ऊपर, टाइम हो गया। ये ओरिजिनल प्लेन है तो ऑब्वियसली मशीन के बगैर ये चलता ही नहीं है, तो इसको चालू रखते हैं। इसके आगे की हेडलाइट्स भी ऑन है, वाओ। तो चलते अभी ऊपर फटाफट से। सो गाइस ये वडोदरा से करजन हाईवे पे है, तो अगर एक वडोदरा आना पड़े किसी काम से आओ तो एक बार इसकी मुलाकात ज़रूर लेना। और ये वडोदरा सिटी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे देखो अगर कोई बाहर बैठ के खाना खाना चाहता है तो उसके लिए भी बनाया गया है। तो ये फ्लाइट में हम एंटर होने वाले हैं। नमस्ते नमस्ते। क्या
तो वो पीछे ऑर्डर देख रहे हैं, मेन्यू कार्ड देख रहे हैं साथ से, उनका ऑर्डर लेंगे, उसके बाद हमारा भी बारी आएगी। सो फटाफट से बैठ जाते हैं। तो गाइज अभी हमारा डिनर हो गया है, तो हम लोग जाते हैं अब वहाँ पे समझात के लिए निकलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। और बहुत ही बढ़िया सर्विस है इन लोगों की यहाँ की। गेम है जो मुझे जाना था पर अभी टाइम नहीं है, तो उस वजह से हम लोग वापस अभी निकल गए। और ये गार्डन में भी है रेस्टोरेंट, अगर फ्लाइट में नहीं जाना हो तो आप लोग यहाँ पर भी बैठ के अपना डिनर ले सकते हैं। लंच की फैसिलिटी भी है यहाँ पर मैं शाम के टाइम आया था, सो ऑब्वियसली डिनर। ये देखो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वेरी गुड मेमोरी विथ दिस फ्लाइट। मैं फ्लाइट में कई बार बैठ चुका हूँ और इस फ्लाइट का ऐसी फ्लाइट में पहली बार बैठा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मैं जा रहा हूँ अभी पीछे की ओर इसके साइड एयरप्लेन को एक बार फिर से देखने के लिए जल्दी से। ये देखो और जो हमारी बिल की अमाउंट मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक आदमी एक पर्सन का 500 रुपये पे करना है 500, तो उसके बाद उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाती है कि अगर कुछ ज़्यादा हो आपका बिल तो उसमें आपको पे करना पड़ेगा, और कम होता है तो वो लोग आपको कुछ जो उनके बजट में आते हैं वो ऐसी कोई भी फूड प्रोडक्ट आपको पार्सल करके देते हैं। सो थैंक यू आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बाकी तो वो कर दीजिए और व्यूज़ दीजिए। मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, और एक कोई दूसरा कोई वीडियो भी होगा तो मैं ज़रूर डालूँगा बीच में, व्लॉग तो आते रहेंगे ऐसे ही। तो अभी मेरा भाई कहाँ है, वो भाई उसके फ़ोन में ही है, इधर ही आई देखिए।